की तूफानी तलाश और टक्कर के बाद ये है लिटिल मास्टर के सुपर टैग। आज हमारे लिटिल मास्टर्स दिखाएंगे जायका हिंदुस्तान का। कर दी हमने एक ऐसी घटना, पहुंच गए दादा सीधे पटना। दादा को किडनैप कर दिया इन्होंने। अब दादा के बाद इसकी पर्स की बारी है। छू मंतर छू मंतर छू। मैं ही बनूंगा स्किपर और तुम सब बनोगे जो गैम्बो के जालिम। दादा अरे आओ चले। काय नाटक है? कौन आवाज करता है? ये ग्रैंड मास्टर के डायलॉग में लेडीज क्यों बोल रही है? दादी कौन है? दादा नहीं हुए तो क्या हुआ? ये बच्चों की, पूरे इंडिया के बच्चों की दादी आ गई है। उषा ताई जी आप यहाँ पर आ गई हैं, अब आप बताइए कुछ कीजिए, ये दो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो आई हूँ मैं। बताइए इंडिया क्या कर रहे हैं तू? पाई लगू कान के नीचे लगा दूंगी। चुप, आवाज नहीं चाहिए। ये सुतर फेनी सफेद बाल तू इसके नाद में लगा क्या? मेरे बच्चों को सता रहा है? दादा को भगा दिया, कहाँ छिपा दिया? स्कीपर लोगों को तूने कैद कर दिया? तू क्या काम के नीचे? उषा ताई आप प्लीज इधर आ जाइए। नहीं नहीं जान दीजिए उषा ताई। उषा ताई आ जाइए, समझा ना, नाटक मत करना। उषा ताई आप इनके वजह से तबियत मत खराब कीजिए। अरे नहीं नहीं इनको डरना भी चाहिए, मैं डरती हूँ उषा ताई से, इनको भी डरना चाहिए। अरे पर उषा ताई तुम तो हमारी साइड थी ना। मुझे मैं तुम्हारा साइड क्यों लो? ये मेरे बच्चे सब छोड़ दो उनको, इनको छोड़ा नहीं तो मैं क्या समझा? अरे खुल गया, अरे खुल गया। ये तो लेने के देने से गए यार। उषा ताई यू नो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक ये दो नालायक यहाँ पर है आपको हमारा साथ यहाँ पर देना होगा, हमारे बच्चों का साथ देना होगा। डरना मत, डरना मत, मैं तुम सब लोगों के लिए यहाँ आई हूँ। उषा ताई की जय, उषा ताई की जय, उषा ताई की जय। तो इसी जय जयकार से आगे बढ़ते हैं और आज परफॉर्मेंस से पहले आपको याद दिला दूं कि अब हर लिटिल मास्टर का यहाँ टिकना और दिखना आपके वोट पर निर्भर करता है। आपके वोट जब तक चलते रहेंगे तब तक आपके फेवरेट्स आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं परफॉर्मेंसेस का सिलसिला। सो प्रेजेंटिंग स्किपर स्वराली के स्पार्कलर से अदिति घोलप। முருகு 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 முருகன் கிட்ட பையில கேட்டேன், இசை 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 கிட்ட மலைய கேட்டேன்.
क्या बात है अदिति, क्या परफॉर्मेंस दिया यार। तो चले फिर जानते हैं मास्टर से और शुरू करेंगे मास्टर अहमद से। क्या धमाका किया है यार अदिति, तुम लड़का हो यार। थैंक यू सर। ऑल यू बॉयज, गौरव, विशाल, सचिन, साध्विन, वेंकी, हार्दिक, शिल किलियोल, थैंक यू सर। करो कुछ डांस टॉलीवुड स्टाइल, और जिस तरह इस लड़की ने किया है गाना, मुझे लगा खत्म हो गया नाका मुका नाका मुका, वो फिर नाका मुका जो शुरू हुआ सेकंड हाफ में कुछ ट्राइबल स्टाइल में, यू केम बैक अगेन ट्राइबल इन टॉली स्टाइल। यार ये पहली बार मैंने देखा, ढिकता ढकता ढिकता वो जो कुछ किया, अरे बाप रे क्या है वो, ये ढंका ढकड़ा ढंक ढकड़ा ढंक ढकड़ा ढिंग ढांग ढांग। तो इट वॉज अ फुल ऑन, बोले तो नीचे से लाता हूँ वो, 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 वो। मास्टर गीता क्या कहूँ, मुंबई की लड़की, साउथ का डांस, लेकिन उस डांस में आपने कितने स्टाइल्स किए, वैरायटी ऑफ स्टाइल्स। वो टॉलीवुड आपने ऐसे बोल दिया क्योंकि गाना ऐसा था, लेकिन यू मैनेज टू डू वैकिंग, यू आर आइसोलेटिंग, यू आर डूइंग मैडनेस इनसाइड इट। अगर हम स्वराली को डांस मैनियक कहते थे तो आई थिंक वो शी इज जस्ट पास्ट इट ऑन टू यू, और वो पागलपन आपको बहुत दूर लेके जाएगा। आई थिंक यू वाज स्टुपेंडस फैंटास्टिक, फैंटास्मागोरिकली मैजिकल। मेरे पास और कुछ है नहीं कहने के लिए, लेकिन कोई और है जो आपसे ज़रूर कुछ कहना चाहता है, मैं बुला लूँ? हाँ। वो आपसे कुछ कहना चाहता है? हाँ। आइए। अदिति के फादर हैं मिस्टर गुलाब। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज डीआईडी लिटिल मास्टर के मंच पे मेरी अदिति यहाँ तक पहुँची है, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगा था कि डीआईडी के मंच पे पहुँचना इतना इजी होगा, हम लोग घर पे ही देखते थे डीआईडी। तो देखते देखते मैं बेटी को एक दिन बोला था कि बेटा मुझे एक दिन डीआईडी के मंच पे देखना है, तो मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी मेरा यह सपना पूरा हो जाएगा। सर हम जानते हैं कि आपने अदिति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन आई एम श्योर कि यू नो आप काफ़ी नर्वस फील कर रहे हो, आप शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए मैं सारी जनता को कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं राजेंद्र गोलब, मैं अदिति के पापा हूँ, मैं चश्मे की दुकान में एक काम करता हूँ, 10,000 रुपया मेरा पेमेंट है।
10,000 के सैलरी में बहुत ही मुश्किल है घर चलाना, रेंट देना है क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं, रेंट दे के स्कूल का खर्चा और इनका जो डांस क्लास का ये वो सब इधर उधर सब चलते रहता है। घर का सिचुएशन देख के मैं उसके पापा को थोड़ी हेल्प करती थी, टिफिन बनाती थी, थोड़ा घर का खर्चा निकले। तो आदिति के डांस की वजह से अभी मुझे छोड़ना पड़ा। 5-6 महीने की थी वो आदिति, तो कभी कभी दूध के लिए पैसा भी नहीं रहता था हमारे पास, मतलब इतना प्रॉब्लम। आज वही मतलब इतना नाम कमा रही है आदिति, उसी की वजह से आज हमारी पहचान है, तो इधर हमारी कोई भी पहचान नहीं थी। आज हमारे बच्चे पूछते कि पापा हम लोग घूमने जाएं, बोला नहीं बेटा जा सकते हम लोग घूमने, क्योंकि हमारे पास घूमने जैसा पैसा है भी नहीं। तो बहुत ही दुखी होता मैं वो सब, कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती है, बच्चे लोग तो सो जाते हैं, मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी करूँगी और मैं उनके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊँगी और मैं उसमें मेरा छोटा सा रिहर्सल हॉल बनाऊँगी। आज सच में मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। घर में कोई ऐसा चीज नहीं था कि सिखाने के लिए, जो स्टंट करने के लिए बाजू के जंगल में हम लोग मैट लेके जाते थे, तो आजू बाजू में शेर का भी बहुत डर है आरे कॉलोनी में, वो सब रिक्स लेके आदिति यहाँ तक पहुँची है, तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। आज मैं एक कंडीशन में होके भी, मेरी 3 बेटी है, आज दुनिया ये नहीं समझती है कि एक एक बेटी के लिए लोग छोड़ देते मम्मी को, तो मैं सारी दुनिया को यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज बेटी को प्यार करो और खुश रहो बस। उषा ताई, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी प्यारी सी अदिति के लिए? जब से DID चालू हुआ है और जब जब मैं घर में रहती थी तभी तभी मैं DID देखती थी, अगर आज देखने नहीं मिला तो दूसरे दिन रिपीट देखती थी। DID में जितने भी बच्चे आए, जो भी डांस करते हैं ना, माँ कसम जो दादाजी करते हैं ना तुम्हारे, वो मैं करती हूँ सबके लिए, बैठ के ही कर रही हूँ, उठने में तकलीफ होती है फटाक से उठने में। थैंक यू सो मच उषा जी, सो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, जोरदार तालियां हो जाए। डांस किया है, वाह! यार ये फिर से आ गए। अरे मैं शायद तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको सुरली मलप चारी आली। बेवफा के घाव पर मरहम लगाने हम गए। क्या है? बेवफा के घाव पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला पर मर हम गए। क्या बोला, मर गए स्वराली, अब बात आ गई है, यू नो, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, जवाब दो यार। एक शर्त रखते हैं, मैं आपकी बन जाऊंगी अगर आप स्टेज पे आते हो तो। ये ले, मैं आपकी बन जाऊंगी। आई स्वेर, ये खुद इतनी लाइन मार रही है इसके ऊपर। स्वरा, अगर वो स्टेज पे आए तो ना माँ, मुझे स्टेज पे ही है, स्टेज पे ही है वो, स्टेज पे ही है। पर स्वरू, हम कहीं नहीं जाते, हम तुम्हें यहाँ बुलाते हैं, क्यों मामू, दिखा दो अपना जादू। चिंगम चबा के फुला ले तू, चिंगम चबा के फुला ले तू, ये लड़की जुगम्बो के हाथ में हाथ, छू मंत्र छू, कर ले लव, लव कर ले चिकी 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 छू। प्यार हो गया स्वरा। स्वराली क्या हुआ? स्वराली
ये क्या? नहीं या जाने दो उसको। ताई कुछ करो ना। स्वराली। अरे ताई, तुझे आशीर्वाद। तेरा क्या चल रहा था वहाँ? मामू, ये ताई फिर बीच में आ गई। इसने तो परेशान कर दिया यार। लेकिन स्वराली से ये उम्मीद नहीं थी। नहीं तो क्या? कान का भी देके आई गिफ्ट। ये देखो, अरे बाप रे बाप। उन्होंने कान का बेटा नाम खराब कर लिया तूने। मतलब हाय 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 मेरी सराली। ये देखो कितनी पतली है। देखो एक तो नहीं, ये आजकल की बच्ची है ना, माँ बाप अच्छा अच्छा खाना देते हैं, लेकिन इनको क्या डाइट दिखनी होती है ना। ऐसे जोगाम को इम्प्रेस करना होता है ना। ऐसे माकड़ तोंडे चाहिए उनको। तोंडे थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए ताई के लिए। एंड अब अदिति, बारी है एक वोट अपील की। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वोट कीजिए। वोट करने के लिए लॉगिन कीजिए ZeeTV.com/DID पर। DID लिटिल मास्टर्स मोबाइल ऐप पे भी आप मुझे वोट कर सकते हैं। तो खूब सारे वोट करते रहिए। याद रखिए कि हमारी वोटिंग लाइंस खुली रहेंगी सोमवार सुबह 8 बजे तक। एंड जोरदार तालियां हो जाए अदिति के लिए। थैंक यू सो मच। हमारा अगला लिटिल मास्टर है जिसके नाम में ही एक वर्ड छुपा है, विन। तो क्या वो विन करेगा? ये तो 15 जून 2014 को ही पता चलेगा। फिलहाल इनके पापा कुर्सियां बनाने का काम करते हैं और बेटा देश के सबसे बड़े डांस शो में टॉप 10 के सोफे तक पहुंच चुका है। तो जोरदार तालों से स्वागत कीजिए राहुल एंड पॉल की टीम से सदवन शेट्टी। तो बताओ कि हिंदुस्तान के कौन से भाग का तुम आज परफॉर्मेंस देने वाला है? हाँ, दो मसाज। एक काम करो, ये हाथ जरा इधर गर्दन के यहाँ पर कर दो और यहाँ अब ऐसे बात करते रहो। हाँ, मसाज मेरा भी होता रहे। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। आज मैं कलरी कर रहा हूँ। हाँ? जो इंडिया का मार्शल आर्ट फॉर्म है जो केरला में प्रैक्टिस हुआ जाता है। क्या बात है, मसाज पूरा हो गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सबने सुना रे दम का बोले धुम धुम, जागो जागो अब तुम नींद में हो क्यों गुम हो। जागो रे जागो जागो और जागा जागा है अंबर। जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गांव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छांव। और आवे जो गंगा नहाने रात हर घाट से हट जाए। सूर्य किरणों की तलवार ताने और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धुनी न मावे, कोई दर तन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे, पावे
फिर बजरिया और धंधा सभी खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए। जोगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। बोले सभी के भाग का द्वारा सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो। 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 Super rocking performance! Zoda Tala Ojai, Sad Wingle! क्या बात है सदविन, what a performance! मजा आ गया। तो चलिए फिर आप जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और सबसे पहले पूछेंगे उमराव जान से, आए बताइए। सदविन क्या कहूँ इस एक्ट के बारे में, आपने कलरी किया। आई थिंक भारत की सबसे प्राचीन कलाओं में से ये एक है, मार्शल आर्ट्स, और आपने इसको बहुत इतना अच्छा किया है। फॉर्म कितना अच्छा किया है कि यू नो एवरीथिंग वाज सो क्लियर। रैंप पर आके यहाँ पे आपने एक हेड स्टैंड किया और हेड स्टैंड से अपना हाथ छुड़ाया, फिर वापस रखा, स्लाइड किया, फिर हाथ छुड़ाया, फिर आई थिंक ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। आई थिंक दिस एक्ट वाज स्टुपेंडस एंड फैबुलसली फैंटास्टिकली मैजिकल। कलरी पैतू इज इंडियन मार्शल आर्ट्स एंड इज द ओल्डेस्ट, सब में पुराना फॉर्म है मार्शल आर्ट्स का और डांस का, जो दुनिया भर में फैल चुका है और छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट टू सी कि आप लोग ने उसे स्टेज पे इतने ओरिजिनल और ऑथेंटिक फॉर्म में किया। तो मैं तहे दिल से, जैसे ये पानी में डुबकी मारा था तो मैं भी डुबकी मारूंगा। चाहिए ना। आइए ना, वापस आइए ना। क्या लेके आए हो, ये क्या है? ये छोटा सा तोप, तोप तोप है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे भी निकला था जहां पे हमें ये पता चला था कि ये 2.5 फुट का सदविन के बारे में सिर्फ हम 2.5% ही जानते हैं। सच्ची बता रहा हूं, इनके बारे में बहुत कुछ जानना अभी हमें बाकी है, तो इसीलिए आपको ये देखना होगा। सदविन को डोसा इतना पसंद है कि वो खाने में या नाश्ते में देंगे तो किसी भी टाइम में देंगे तो खाता है। अच्छा नहीं है, सांभर तो पानी की तरह है। पानी मुंबई वाले लोगों को डोसा बनाना ही नहीं आता। अरे भगवान, मुझे बैंगलोर वाला डोसा दे दो जल्दी से, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं बैंगलोर वाला डोसा। बैंगलोर वाला डोसा यहाँ पे तो नहीं मिल सकता है, लेकिन सदविन आपकी मम्मी अच्छा डोसा बनाती है? बहुत अच्छा बनाती है। बहुत अच्छा बनाती है। सांभर भी अच्छा बनाती है। बहुत अच्छा बनाती है। चटनी भी अच्छा बनाती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है, देखो हम मुंबई में ऐसा डोसा, हमको इतना ही मालूम है कि मुंबई में ऐसा डोसा मिलता है, बैंगलोर का डोसा कैसा होता है हमको मालूम नहीं। तो अगर सदविन की मम्मी डोसा बनाएंगे, डोसा हमको खिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा बैंगलोर का डोसा कैसा होता है। तो सदविन की मम्मी आपको सिर्फ डोसे बनाना है, ज्यादा लोग के लिए नहीं। काली गीत मेरे लिए, जय के लिए, पॉल राहुल के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, यूनिट के लिए, बस बस इतना ही करने का है। सदविन की मम्मी टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ 6 महीने का यू नो जनरल स्टोर का सामान आपका यूज होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए होट करे, होट करने के लिए लॉग ऑन करे ZeeTV.com/DID पर। आप DID लिटिल मास्टर ऐप डाउनलोड करके भी मुझे होट कर सकते हैं। बाकी की वोटिंग डिटेल सबकी
स्क्रीन पर है। प्लीज नंगे प्लीज होट मारी। होट होट करो होट होट करो होट। होट करने के लिए आपके पास सोमवार सुबह 8 बजे तक का वक्त है। होट करें। तो होट करते रहिए। तो चलो फिर जोरदार ताला हो जाए सब इनके लिए। थैंक यू सो मच। और अब बुलाते हैं हमारी 8 साल की क्यूटी पाई दार्जिलिंग की अनुष्का को फ्रॉम सनम के सुपर हीरो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शी इज द विलेन। कुठे चालला हफ्ता निकाल हफ्ता तू काय बघतोय चल तू भी निकाल हफ्ता। तू क्या बड़ी डॉन है क्या? नहीं नहीं साहब। क्या हफ्ता मांग रही है? सॉरी साहब। चल चल जेल में चल जेल में। माफ कर दूं ना। एक दार्जिलिंग की लड़की को लावनी डांस में देख के खूब छान है खूब छान। थैंक यू। तो चलिए फिर जानते हैं मास्टर से और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर अहमद से। रॉन्ग सॉन्ग। तुम्हारा गाना मला जाऊ दे नहीं होना थे मला छोड़ू नका। मला जाऊ दे। अनुष्का हर एक मूव हर एक स्टेप हर एक बीट हर एक ठुमका हर एक एक्सप्रेशन बैंग ऑन था और लावनी इतनी परफेक्ट किया तुमने मैं तो दोनों हाथ से जाता हूँ। मास्टर गीता आप इनके कमेंट्स उधर ही बैठे बैठे वहाँ पर जहाँ अनुष्का बैठी है वहाँ पर ही हो जाए। हाँ मेरे पास एक्चुअली इनके लिए कमेंट्स है नहीं क्योंकि इनके जो ये चहीते हैं पपीदा इन्होंने बहुत कुछ कह दिया लेकिन अनुष्का मैं यही कहूँगी कि आप के साइज के हिसाब से ना तो आप बहुत बड़ा नाचते हो यार। थैंक यू मैम। आप बहुत बड़ा नाचते हो आई थिंक योर कैसे बोलते हैं वो साथ में बोलेंगे है ना। अनुष्का इज
Stupendo, fantabulously, fantastic. तो चलिए फिर अनुष्का, इतनी सारी बातें इनसे तो जान ली कि आप यहाँ से आप वहाँ से इतना अच्छा डांस कर लिया, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ है जो शायद लोग नहीं जानते, जो मैं चाहता हूँ कि लोग जाने आपके बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं। मुझे सनम सर बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने देते, वो बहुत प्यार है। जब अनुष्का टीम में आई तब से ही एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड बन गया है, बहुत क्यूट सा बॉन्ड बन गया है। एंड ऐसे लगता है छोटी सी बेबी आ गई है फैमिली में, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है बिकॉज बेबी है, शी इज जस्ट 8। जब भी मैं पापा को मिस करती हूँ तब सनम भैया मुझे हंसाते हैं क्योंकि सनम भैया मुझे दुखी देखना नहीं चाहते। दुनिया के सबसे अच्छे सर भी है और सर के साथ पापा भी है। I love you, सनम भैया। यार इतनी अच्छी बात तुम मेरे बारे में तो कभी नहीं करती अनुष्का। नहीं, वो सनम भैया हैं, आप पापा की तरह भी हो, है ना? हाँ, दोनों मेरे इक्वल पापा। आप अपने पापा को बहुत मिस करते हो क्या? हाँ। बहुत ज्यादा मिस करते हो? कितना मिस करते हो? हल्ले अच्छा अनुष्का, यहाँ देखो एक सरप्राइज है आपके लिए, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। नहीं बच्चा, नहीं रोते मेरा राजा। देखो कौन है इधर, अनुष्का। नमस्कार, मैं अनुष्का का पिताजी। अनुष्का को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब अनुष्का डीआईटी लिटिल मास्टर में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं मैं भी टीवी चैनल में देख रहा हूँ और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अनुष्का को मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि अनुष्का अभी घर में नहीं है, बहुत सुना सुना लग रहा है। जब वे घर में रहती थी तो हमको बोलती थी कि पापा आज बाहर जाकर हमको पिज्जा खाना है, बाहर जाना है और बाहर घूमना है, ये सब हमको बोलती थी और हमको बहुत तंग करती थी। और मैं एक ये मिस कर रहा हूँ कि सुबह में उसका हाथ पकड़ कर स्कूल ले जाता था। और अनुष्का को मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मम्मी को तंग मत करो, जब आप सो जीत कर वापस आओगे तो बहुत कुछ करेंगे, जैसे खेलेंगे, घूमेंगे, अपना ध्यान रखना। आई मिस यू एंड आई लव यू माई डॉटर अनुष्का। अनुष्का कैसा लगा पापा को सुन के? पापा को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पापा को बहुत महीने बाद देख रही हूँ। तुम पापा को नहीं देख रही हो, पापा तुम्हें रोज देख रहे हैं, है ना, है ना? अरे वाह, धक्कन के तले, ये मास्टर अहमद पप्पी दास से तो पापा दा बन गए। और मामा जी, मुझे अनुष्का को देख के आज सचमुच में रोना आ गया। पप्पी दा कितने अच्छे हैं। और ये देखो, एक मेरी मुंह बोली मम्मी है, ये मुझे हमेशा इग्नोर करती रहती है। कौन है ये बच्चा? ना कोई प्यार करती है ना दुलार। अब की बार मम्मी मम्मी लोरी सुना दो ना यार। बेटा जोगेम्बो, मैं अपनी तरफ से प्यार भेज रही हूँ तुम्हें, प्यार। अहमद सर, थोड़ा प्यार दिखा के आ जाओ। अच्छा था सर, अच्छा था, अच्छा था सर, अच्छा था। ताई भी हमारी साइड से ही है, ताई आप और मैं मिलके एक टीम बना लेते हैं, दोनों स्किपर्स बन जाते हैं पार्टनर के, हैं? जोगेम्बो और ताई के जालिम, हैं? ए बहुत बहुत तू बोल रहे हैं बाबा, बहुत। तू मिल मुझे बाहर। अच्छा। पहले बुड्ढे को देखूंगी, बाद में तुझे। ठीक है, हम लिमिट के बाहर जा रहे हैं तो हम बाहर ही चले जाते हैं। जा जा जा, चल भाग, बहुत। तो चलिए फिर अनुष्का, एक वोट अपील हो जाए ताकि जनता आपको ढेर सारे वोट कर सके।
मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वोट करें, वोट करने के लिए लॉग ऑन करें zeetv.com/didi पर। आप didi लिटिल मास्टर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी मुझे वोट कर सकते हैं। बाकी के वोटिंग डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्लीज मलाई वोट करना। All right, so ढेर सारे वोट करते रहिए हमारी अनुष्का को। And thank you so much, Anushka, for this lovely performance. Zordaar taali ho jaye. हमारे अगले लिटिल मास्टर के पिताजी गेहूं और धान का काम करते हैं और उनका पुत्र पढ़ाई और डांस में ध्यान का काम करता है। इनका दिमाग लेटेस्ट लैपटॉप टैब्स और फोन से भी ज्यादा तेज चलता है। So presenting सनम के सुपर हीरो से हार्दिक। All the best. Thank you. शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रची लो साज सजी लो शुभ घड़ी जय आवी, आजा आजा पंत माता शुभ घड़ी जय आवी। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। चिनो सज सजिनो शुभ घड़ी जय आवी, आजा आजा टमटमाता शमला मुझे नावी। Fantastic, come on guys, ज़ोरदार तालियाँ हो जाए हार्दिक के लिए। ईशा भाई आप बताइए आपको कैसा लगा ये? ये बच्चा पिल्लू क्या डांस करता है यार, तूने ऊपर से कूदी मारी मैं यहाँ ऐसे हो गई थी। क्या डांस करते यार तुम बच्चे, माँ कसम जलन होती है मुझे तुम्हारा डांस देख के, क्योंकि मैं डांस कर नहीं पाती इसलिए। मास्टर अहमद बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? इतना सारा कुछ था इसमें, हर चीज हार्दिक को माइंड में रख के। सनम तुम जानते थे कि दिस इज द किड जो ये पुल ऑफ कर सकता है। ये ड्रेस को क्या बोलते हैं? केड़िया। केड़िया, ये केड़िया ड्रेस में रिहर्सल की थी? सर रिहर्सल केड़िया ड्रेस में नहीं हुई थी, बट जितने भी टेक्निकल्स हुए थे हाँ प्रॉप्स के साथ हुई थी। हाँ हाँ, तो एक्चुअली मैं 10/10 दूंगा हार्दिक को कि ये केड़िया ड्रेस ने इतना लोचा किया, बट हार्दिक सेड नथिंग डूइंग डूड बैंग ऑन हर चीज। हार्दिक दिस इज स्पेशली फॉर यू। मास्टर गीता आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो ना
हर चीज़ का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, वो पाउडर से लेके, वो बीट्स पकड़ने से लेके, आपका ऊपर जाना, इस कॉस्ट्यूम ने तो तकलीफ दी दी, फिर वो ड्रम अटक गया गले में, हाल हाल थोड़ी जड़प पदार्थ, यू नो, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हार्दिक आपके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि लाइक अहमद सर सेड, यू आर अ सुपर स्टार टुडे. एक्ट कितना भी आपके लिए डिफिकल्ट रहा हो करने के लिए, यू पुल्ड इट ऑफ, सो माई हैट्स ऑफ टू यू. और आज हार्दिक के लिए अगर वोट कर रहे हो तो इसलिए करिए क्योंकि आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम इवन बेटर देन दिस. थैंक यू सो मच मास्टर्स. हार्दिक एक वोट अपील हो जाए ताकि जनता आपको ढेर सारे वोट कर सके, प्लीज. मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीज वोट करें. वोट करने के लिए लॉग ऑन करें ZeeTV.com/DID पर. आप DID लिटिल मास्टर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी मुझे वोट कर सकते हैं. बाकी की डिटेल्स TV स्क्रीन पर है. तो ढेर सारे वोट करते रहिए, हमारी वोटिंग लाइन सुबह सुबह 8 बजे तक खुली हुई है. Alright then, thank you so much Hardik for this lovely performance. Zuda taliya ho jaye Hardik ke liye. लेकिन जय, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है. हाँ बताइए. मैं वहाँ बैठ के कब से देख रही हूँ ये बच्चों के पप्पा मम्मी बैठे हैं, तो वो ऐसे गुमसुम है क्या? उनको अपनी सासू माँ की याद आ रही है? इनको ना सास की याद आ रही है, ना बच्चों की फिक्र है, ना इनको अपने बहुओं की याद आ रही है, इनको दादा की याद आ रही है. दादा की याद आ रही है. हमको लगता है ना डांस करने नहीं मिल रहा है, दादा नहीं है. आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ दादा जी, आप आओ. आइए प्लीज सभी आ जाइए साथ में. गीता भाभी है जवानी, करांदी है पुरानी, है तेरी भी जवानी हनी जी. शर्म भुला के हुकुम का लगा के करो थोड़ा मन मानी जी. अभी भी तेरी गाल मेरे दोरे, लाखों दिलों पे जाले दोरे दोरे, हजार पीस तेरी सिद्धि का कब हुआ. थैंक यू सो मच, इतना कमाल का परफॉर्मेंस आप सबने दिया है. एंड दादाजी कीप इट अप, जोरदार ताली हो जाए. अभी मुझे दूसरे बच्चों के यहाँ भी जाना है तो मैं निकलती हूँ. क्या बात है, लेकिन आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आई है और हम सारे बच्चों को इन दो नालायकों से बचाया है, इसके लिए जोरदार तालियां तो बनती है उषा ताई के लिए. मामूजान, जब बचपन में पड़ोसियों के घर बॉम्ब गिराते गिराते मैं खुद गिर जाता था, तब उषा ताई मुझे उठाकर बॉम्ब फेंकने में मेरी मदद करती थी. और आज देखो उषा ताई का दिल अपना और प्रीत पराई. अतः माँ जी से टकली ताई. माँ जी सटकेन. ताई बाय बाय, बाय बाय. जोरदार उषा ताई के लिए. बाय बाय, लव यू. सपनों का बादल तुझे बुलाए. Come on guys, so that's all I'll join. But chocolate.
Well, आप लोग ये सब सोच रहे होंगे कि ये स्केटर्स डांस के सबसे बड़े मंच पे क्या कर रहे हैं, राइट? आप सबसे मिलने के लिए खास हमारे साथ आए हैं हवा हवाई के डायरेक्टर अमोल गुप्ते एंड द स्टार कास्ट पार्थो एंड साकिब सलीम. जोरदार ताली हो जाए. सपनों का बादल तुझे बुलाए, जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए. प्लीज हमें बताइए कि ये स्केटर्स के पीछे राज क्या है. भाई राज तो 9 तारीख 9 मई को खुलेगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ये स्केटर्स जो हैं, जिस रफ्तार से जाएंगे वो सीधा जो है कूच करेंगे आपके हृदय में. ये अपना वादा है. क्या बात है. तुझे बुलाए, जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए. आई कैन सी द लव, प्यार दिख रहा है. ये एक अमोल गुप्ते की फैमिली दिख रही है. थैंक्स फॉर कमिंग एंड स्प्रेडिंग दिस लव विद अस. नो थैंक यू फॉर कॉलिंग अस. आप यहाँ पर आकर बैठ जाए. बच्चों आप भी हमारा साथ दीजिए एंड आप हमारे साथ ऑडियंस पे जरूर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं शो को. तो जोरदार ताला हो जाए इनके लिए भी. थैंक यू. हमारे अगले लिटिल मास्टर के पिताजी हैं भारतीय किसान और बेटा बनना चाहता है भारत की शान. खींचता है ये प्यार से यहाँ दूसरी बच्चियों की चोटी और पहुंचना चाहता है डांस की चोटी पर. प्रेजेंटिंग पर ओमकार के रॉकस्टार से गौरव शर्मा. तो चलिए फिर गौरव, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस. थैंक यू. ऑल द बेस्ट गौरव. यही तो मिले समुंदर जाओगे उसने इतना ही जाना. तो चलिए फिर मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा. और सबसे पहले पूछेंगे मास्टर अहमद से. गौरव प्रॉब्लम ये है कि तू बोलता बहुत है और दूसरी प्रॉब्लम ये है तू करता भी बहुत है. योर स्टार्ट फ्रॉम देयर हैंड स्प्रिंग्स देन द समरसॉल्ट एंड अ बैक समरसॉल्ट खेला एंड उसके बाद जो तूने भंगड़ा पाया ओए. और ये गाना मैंने ही शूट किया था. कैसे?
तो मुझे तो लगता है कि ये पूरा गाना मैं रिशूट कर लूँ. इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. तेरा पावर गौरव, तुम में जो पावर है, यू आर अ रियली अ स्ट्रॉन्ग किड, यू आर अ किलर. पकड़. बस गीता, मैं होल हार्टेडली अग्री करूंगी जितना अहमद सर ने कहा है. गौरव, आपने आज सिंपल को भी ना माइंड ब्लोइंग करके दिखाया है. थैंक यू गीता. ओके, सो आई लव यू. वेरी वेरी नाइस एक्ट. यू परफॉर्म लाइक अ हीरो टुडे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच मास्टर्स. और सर, आप बताइए, आपको गौरव का परफॉर्मेंस कैसा लगा? अगर कहूँगा कुछ तो बेवकूफ़ी में गिनी जाएगी मेरी बात. क्यों? तो एक सैल्यूट ही ठोक देता हूँ यार. मेरे आका, क्या बात है, बहुत शाबाश यार, क्या बात है, क्या बात है. जियो हजारों सर. थैंक यू सर. सकीब, आप बताइए, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? मेरे भाई, आपने कहा आप दिल्ली से, तो आपने एकदम दिल्ली वालों की तरह दिल खोल के डांस किया. आई डोंट नो, मतलब मैं खुद इतना अच्छा डांसर हूँ नहीं, तो जब मैं ऐसा कुछ देखता हूँ तो मेरा भी डांस करने का मन कर जाता है, क्योंकि हमारी दिल्ली में तो स्टॉप टॉकिंग एंड प्लीज कम नाउ. ठीक है, वन सेकेंड. बिल्कुल डांस करूंगा. हाँ. लेकिन अहमद भाई, एक रिक्वेस्ट है. हाँ. वो ना, जब आप छोटे थे तो आपने एक पिक्चर की थी मिस्टर इंडिया, उसमें एक आपने डांस स्टेप किया था, वो अगर आप मुझे करा देंगे. टीम में कौन आना चाहेगा? आप हमें डांस सिखाओगे या सिखाओगे? ये वैसे कौन से देश का डांस है? ये इनको डांस आता भी है? जो इतना मींस उड़ उड़ के डांस के बारे में बात कर रहे हैं. बिल्कुल. हमें सबसे अच्छा डांसर दिखाओ. हम रेडी हैं. हाँ, रेडी है आप? अच्छा, चलो हम रेडी है. म्यूजिक शुरू कर दो फिर. तो बनती है. अच्छा किया, अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा. मेरे अंदर नहीं थी एनर्जी. अमोल सर नमस्ते. आप तो बच्चों के लिए बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, क्यों ना आप मेरे ऊपर भी एक फिल्म बनाए? मैं बनूंगा हीरो और मेरी स्वरु हीरोइन. क्या कहते हैं आप? और गीता पहले ललिता बनेगी इसकी बूढ़ी और मजबूर माँ. बूढ़ी और मजबूर बूढ़ी माँ. बूढ़ी माँ मास्टर गीता बनेगी फिल्म में. और अगर आपको चाहिए तो मैं गाने भी लिख सकता हूँ. मेरा जोगू कितना जालिम है, ये जुल्म तो सब पे करता है. और अमोल सर, फिल्म का नाम
रखिएगा जुल्म जोगेम्बो का। जय भैया, तुम चिंता मत करो, तुमको एक्स्ट्रा में ले लेंगे। और ये सारे अंडे के छिलकों जैसे जो बच्चे हैं, इनको हम पीछे ग्रुप में बचाएंगे। रोल कैंसिल कैंसिल। और डॉक्टर नोना आप बहुत थर्ड रेट लिरिसिस्ट हैं, बहुत गंदी गंदी गाने लिखते हैं, गंदे गाने लिखते हैं। ओह लिसन जोगेम्बो, एक तो पहली बात, हीरो बनने के लिए साकिब जैसा हैंडसम होना चाहिए। गोल्डन वीक वाले हीरो इंडिया में नहीं चलते। गोल्डन टोपी वाले तो बहुत चल रहे हैं। बाय 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 कर लो, चलो बाय बाय। हाँ लेकिन गौरव, तुम अब ये सब बातों में ध्यान मत दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो कर लेते हैं, और वो है एक वोट अपील कर लो ताकि जनता आपको ढेर सारे वोट कर सके। कम ऑन, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वोट करें, और वोट करने के लिए लॉग ऑन करें ZeeTV.com/DID पर। आप DID मास्टर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी मुझे वोट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, तो प्लीज़ मुझे वोट करिए, आपका वोट मुझे बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। क्या बात है, तो खूब सारे वोट करते रहिए। याद रखिए कि हमारी वोटिंग लाइन्स खुली है सोमवार सुबह 8 बजे तक, तो भैया याद रखिएगा। हाँ तो ऑल द बेस्ट गौरव, सुपर परफॉर्मेंस, प्लीज टेक अ सीट, जो दाता हो जाए गौरव के लिए। आज अपने अपने लिटिल मास्टर के टॉप 10 तक पहुंचने की खुशी में, हियर इज अ स्पेशल एक्ट बाय ऑल द स्किपर्स राहुल एंड पॉल, सनम स्वराली एंड ओमकार। दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ ये रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोक के तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जगत सजा दुनिया, प्रकृति तेरे जैसा कोई नहीं, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम। हमारे स्किपर्स के लिए।
Well, masters, हमारे little masters हिंदुस्तान के अलग-अलग जायके आपको दिखा रहे हैं और आज हमारे skippers ने हिंदुस्तान कैसा है यही आपको एक साथ मिलाकर बताया. So कैसा लगा आपको इनका performance? अमोल सर आपसे जानना चाहेंगे आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? यार एक तो सबसे पहले भारत माता के लिए खड़े हो जाएं और सैल्यूट. भाई ऐसा है कि ऐसे हो स्किपर जैसे हमारे पास एक स्किपर हैं साकिब सलीम, ये कोच हैं हमारी फिल्म में हवा हवाई में, तो मैं समझता हूँ कि वो चैंपियन ही बनने वाले हैं ना बच्चे. क्या बात है, टू चैंपियंस एंड टू स्किपर्स एंड ये मेरा इंडिया. लाखों सलाम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच स्किपर्स फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट. तो चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अमोल सर, पार्थो एंड सकी प्लीज मंच पर आ जाएं. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप डांस के सबसे बड़े मंच पर आए और हमारे बच्चों को इतना यू नो इंस्पायर किया आपने अपनी बातों से. जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? आप कह रहे हैं हमने बच्चों को इंस्पायर किया, बच्चों ने हमें इंस्पायर किया. अगर ऐसा परफॉर्मेंस बच्चे करेंगे तो मतलब रिस्पेक्ट टू दीज गाइज, क्योंकि बहुत फार डांस कर रहे हैं. अबाउट माय फिल्म तो ये कह दूं कि बहुत ही तेज रफ्तार वाली फिल्म है, क्योंकि बात 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर स्पीड की है और ये बच्चे जैसे फरारी की तरह गुजरते हैं आंखों के सामने से. ये ऐसा 28 मिनट का क्लाइमैक्स है जो आप जो सीट जो पकड़ेंगे तो सीट को ही घर ले जाएंगे. ये मेरा वादा है. तो 9 मई को रिलीज हो रही है द फिल्म हवा हवाई आपके नजदीकी सिनेमा में. सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे जी परिवार की तरफ से एंड पूरे डीआईडी परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. थैंक यू सर. थैंक यू. गॉड ब्लेस. दोस्तों सिंगिंग और डांसिंग के बाद अब इंडिया चुनेगा देश का सबसे बड़ा सिनेस्टार. अगर आपको एक्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, मिमिक्री, डांसिंग कुछ भी आता हो तो आप आ सकते हैं. ऑडिशंस हो रहे हैं 7 मई को वडोदरा में. बस आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें ZeeTV.com/sinestars. जैसे लाइफ बॉय आपको जर्म से प्रोटेक्ट करता है, आप भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए वोट करते रहिए. एक पहुंचे हुए लेखक ने कहा है कि जैसे खूबसूरती को गहनों की श्रृंगार चाहिए, उसी तरह कला को परफॉर्मेंस ऑफ द वीक का पुरस्कार चाहिए. और किन्हें मिलता है ये पुरस्कार देखने के लिए वेलकम बैक टू लाइव बॉय बीआईडी लिटिल मास्टर्स पावर्ड बाय कैडबरी जैम. तो मास्टर्स प्लीज बताइए कि ये पुरस्कार किसे मिलता है? सो स्पाइस परफॉर्मर ऑफ द वीक का खिताब मिलता है, इट्स अ टाई एंड द विनर इज थेरिया एंड सदवन. Congratulations, Sadwin and Deria. आप दोनों हैं Spice Performer of the Week और आपको मिलता है Spice Mobile की तरफ से ये latest Stella 506 Mobile Phone जो मिला है सपनों से. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. जय भैया.
हाँ जी बोलिए। इन दोनों को छोड़ के और दो है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हम सब बच्चे चाहते हैं कि उनको भी दिया जाए। अच्छा, तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक का खिताब बोल रहे हैं आप? हाँ। तो बताइए विनर फिर कौन है? जो विनर है उनका नाम है मास्टर अहमद सर और गीता। तो मास्टर्स आपको मिलता है कैडबरी जेम सरप्राइज की तरफ से, ये एक गिफ्ट हैम्पर, और ये हैम्पर देने के लिए आ रहे हैं कैडबरी जेम डिटेक्टिव पांडा। आप कैडबरी जेम्स खाओ और रहो उमरलेस, है कि नहीं? डांस करने की कोई उम्र तो होती नहीं है, लेकिन यू नो। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो ये खिताब आपको मिलता है। तो जोरदार ताला हो जाए हमारे मास्टर्स के लिए। ओह गॉड, आप लोगों ने जो आज हमारी होलसेल में इंसल्ट की है, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये इंसल्ट जो आप लोगों ने की है उसका बदला तो हम दादा को टॉर्चर करके लेंगे। ग्रैंड मास्टर तो गियो हचकियो हचकियो। आई गए, चलो मुझे पता है कि ग्रैंड मास्टर इनसे निपट लेंगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ ना चाहते हुए भी इस हफ्ते आपसे विदा लेना पड़ रहा है। अगले हफ्ते उम्मीद है कि जोगैम्बो और प्रोफेसर नोनो ग्रैंड मास्टर को छोड़ देंगे। तब तक आप सब अपने अपने घर में बैठ कर मेरी तरह दादा के छूटने की दुआ मांगिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते सुपर 10 लिटिल मास्टर के फैसले के साथ। तब तक के लिए इंडिया कीप